हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पनाज किचन। आज आपको मैं बता रही हूँ कि कश्मीरी तेलवर कैसे बनाते हैं। मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है, इसमें आधा चम्मच यीस्ट डाला है और गर्म पानी से भिगो के रखा है, एंड 2 टेबल स्पून्स ऑफ शुगर एंड थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करना है। मैंने इसमें 2 कटोरी पानी लिया है एंड इसमें मैं शुगर डिज़ोल्व करूँगी एंड यीस्ट डिजोल्व करूंगी। एंड आटे में नमक डाल रही हूँ, मैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड आप अपने स्वाद अनुसार डाल देना। एंड 1/2 कटोरी तेल लिया है, वो इसमें मैं मिक्स करूंगी एंड इससे मैं आटा लूँगी। आटा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ढक के रखूँगी। आप चाहे तो कपड़े से ढक सकते हो, मैंने तो थाली से ढक दिया है। आटा 1 घंटे के बाद तैयार है। मैंने इस रोल को कट किया इनटू डिफरेंट पीसेस, एक होल कर दिया इसमें, आप इसे देख सकते हो, एक होल करके रखा है बीच में। अंडा बीट करके तैयार रखा है, तिल रखा है एंड पानी बॉईल करने को रखा है। पानी बॉईल हो रहा है तो मैं इसको उठाती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो आप ब्रश किया हुआ है इसमें, मैंने इनको ग्रीस ट्रे में जो ऑलरेडी हीटेड था इसमें डाल दिया एंड तिल लगा दिया ऊपर से। अब मैं इसको ओवन में 10 मिनट के लिए 150 डिग्री पे हीट। फाइनली तेलवर रेडी हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी नरम भी हैं। और आपको एक टिप दे दूं कि जब आप आटा बनाएंगे तो पहले आप 1 कटोरी पानी लीजिए और अगर कम पड़े तो वापस गर्म कीजिए और थोड़ा सा पानी मिक्स कीजिए। और मैंने इसको एयर फ्रायर में भी बाद में डाल दिया टू बी ऑन द सेफर साइड, ताकि ये और क्रिस्पी बन जाए। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो तो अंडा नहीं खाते होंगे, तो वो आप दूध के पानी से इसको ब्रश कर दीजिए। थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइए।